दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेएम डिजाइन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग ये प्लान देख पा रहे होंगे, ये हमने हमारे एक सब्सक्राइबर थे उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हमने प्लान डिजाइन किया है। 16x28 का प्लान डिजाइन किया है, 1 BHK है दोस्तों। इसको चारों तरफ से हमने ऐसे कुछ डिजाइन किया है जैसे कि प्लान देख पा रहे होंगे आप लोग। ये प्लान 3 साइड से मकान से घिरा हुआ है। फ्रंट साइड में रोड है तो A1 साइड ओपन है, तो फ्रंट साइड में यहाँ पे रोड है तो उसी हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इसका सब कुछ हम। तो ये फ्रंट पे हम सबसे पहले फ्रंट पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने दे दिया है फ्रंट पे एक विंडो, और इसके डिजाइन के लिए कि हमने 6 इंच की एक डिजाइन दे दी है। आप देख सकते हैं दोस्तों 6 इंच की ये डिजाइन है। और बाहर ही हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया जो बच रहा है 2 फिट का, 1 फिट का, 2 फिट का, तो यहाँ पे हमने मतलब पार्क, सॉरी स्मॉल पार्क समझ लीजिए आप। यहाँ घास वगैरह उगा सकते हैं, यहाँ पे आप पौधे वगैरह लगा सकते हैं। उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया और एक प्यारी सी डिजाइन हमने दी है। फ्रंट डोर हमारा ऐसा ही कुछ है। आइए अब अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं इसका, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। अंदर यहाँ से आप मकान में इंटर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से ये साइड में हमने दे दिए जीना, यहाँ से आप ये फर्स्ट फ्लोर पे इंटर हो जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आगे आप जाएंगे, ये वाला एरिया हमने 5x8 का हमने दे दिया है। लेटरिन कम्बाइंड बाथरूम ये वाला एरिया, इसके इंट्रेंस के लिए यहाँ दरवाजा लगा दिया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये दरवाजा है यहाँ पे। यहाँ से आप टॉयलेट कम्बाइंड बाथरूम में इंटर हो जाएंगे। ये 5x8 जो हमने दिया है, ये वाली वॉल से बाहर वाली वॉल 9 इंच है और अंदर की जो भी वॉल है वो सब 4 इंच की है दोस्तों। इसको हमने टोटल एरिया को इंक्लूड किया है इस वॉल से लेके इसके इनर वॉल तक। तो मतलब ये 4x4x3 4 फिट 3 इंच × 8 फिट का ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइड हमने दे दिया है ओपन किचन दिया है यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये ओपन किचन है यहाँ पे। ये आजकल मॉडर्न टाइम में ऐसे चलता है क्योंकि स्पेस की इसमें भी कम रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम ही है, तो इसलिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पे एक ओपन किचन है, यहाँ पे एक वॉल से आप पार्टीशन कर सकते हैं और बाकी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ओपन किचन नहीं चाहिए तो एक यहाँ पे दीवार आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पीछे साइड हमने दे दिया है एक बेडरूम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वाला हमारा बेडरूम है। इस किचन का साइज़ है 6x8 इंच का है। ये किचन का जो एरिया है 6x8 इंच का है। आप अपने हिसाब जरूरत के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। और इस यहाँ लास्ट में हमने बेडरूम दिया है, इसका साइज़ है 16x10 इंच का। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 16x10 इंच का बेडरूम है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ लगा दिए हैं और ये हमने यहाँ पे डोर दिया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं ऊपर भी आप इसको बढ़ा सकते हैं सेम एज इट इज़। और यहाँ पे आप मकान में फर्स्ट फ्लोर पर आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हमने कुछ दोस्तों दिया नहीं है, हमारा स्टेयर रूम हो गया। स्टेयर रूम से आप यहाँ पे छत पे आ सकते हैं। सामने हमने प्यारी सी बाउंड्री वगैरह लगा दी है, ग्रिल लगाई है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल एक होम डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी वीडियो बनवाना है, आपको कोई प्लाट बनवाना है दोस्तों, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।